हिजाब विवाद के बीच सामने आया रतलाम के अजान विवाद में जिले के एसपी की दलील और अपील सामने आई है। दरअसल रतलाम में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक मस्जिद से अजान की आवाज आने पर लाउडस्पीकर से तेज आवाज में गाने बजाने की धमकी दे रहा है। भाई साहब, ऐसा है आज राउटी में जो मस्जिद में अजान आवेदन देने के बाद भी लाउड में बढ़ा दी गई है, तो इसका हमने एक उपाय किया है। ये मेलवाड़े में जहाँ इनके सामने मस्जिद है उसके सामने हमने लाउड स्पीकर लगा दिए, और जब जब इनकी अजान बजेगी जब जब हमने सब कुछ बजाएंगे, ये संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए। इसकी वीडियो वायरल हो रहा है। ये आज से 15-16 दिन पहले की बात है, और उसमें एक वीडियो एक सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसमें कोई व्यक्ति कहता हुआ दिख रहा था कि यदि ये ध्वनि कम नहीं होगी तो हम लोग भी इसमें लगा सकते हैं। हालांकि वहां तत्काल पुलिस वहां पहुंचकर और स्थानीय लोगों से जिसका वीडियो था उससे भी बातचीत करके और उसकी समस्या जानने का प्रयास किया गया, और सभी लोगों ने उस चीज को समझा, और वहां पर पहले दिन से ही पूरी शांति कायम है। वहां पर जो पूरा समुदाय है उस क्षेत्र का, सभी लोग आपस में समन्वय है, पहले से ही शांति है, और आपसी समझदारी से उस चीज का निराकरण पहले ही दिन हो गया था। इसके बाद ये बात जरूर है कि रतलाम से नहीं परंतु इसके बाहर से कहीं कहीं बाहर के लोगों को जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो लोग इस वीडियो को दोबारा ट्वीट कर दे रहे हैं, जिससे रह रहे के वापस न्यूज में निकल के आ रहा है। तो मेरी सबसे अपील है कि कृपया ये जो स्थानीय यहाँ पे जो कोई एक्चुअल मुद्दा है नहीं, जो सभी लोग आपस में प्यार और समन्वय से रह रहे हैं, तो जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है वो इसको ट्वीट या दोबारा से फॉरवर्ड करने से बचें, जिससे कि सभी जगह कानून व्यवस्था की स्थिति और शांति की स्थिति बनाई जा सके। इस पर अब रतलाम के एसपी का बयान सामने आया है, जिसमें एसपी अभिषेक तिवारी ने लोगों से अपील की है कि वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर और फॉरवर्ड करने से परहेज करें। ये वीडियो पुराना है, वीडियो को बाहर के लोग ट्वीट कर रहे हैं, जबकि स्थानीय तौर पर इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। लोगों के ट्वीट करने से वीडियो बार बार सामने आ रहा है। एसपी ने अपील करते हुए कहा कि बाहरी लोग इसे ट्वीट या फॉरवर्ड करने से बचें, ताकि कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हो। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। हिजाब विवाद के बीच सामने आया रतलाम के अजान विवाद में जिले के एसपी की दलील और अपील सामने आई है। दरअसल रतलाम में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक मस्जिद से अजान की आवाज आने पर लाउडस्पीकर से तेज आवाज में गाने बजाने की धमकी दे रहा है। भाई साहब, ऐसा है आज राउटी में जो मस्जिद में अजान आवेदन देने के बाद भी लाउड में बढ़ा दी गई है, तो इसका हमने एक उपाय किया है। ये मेलवाड़े में जहाँ इनके सामने मस्जिद है उसके सामने हमने लाउड स्पीकर लगा दिए, और जब जब इनकी अजान बजेगी जब जब हमने सब कुछ बजाएंगे, ये संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए। इसकी वीडियो वायरल हो रहा है। ये आज से 15-16 दिन पहले की बात है, और उसमें एक वीडियो एक सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसमें कोई व्यक्ति कहता हुआ दिख रहा था कि यदि ये ध्वनि कम नहीं होगी तो हम लोग भी इसमें लगा सकते हैं। हालांकि वहां तत्काल पुलिस वहां पहुंचकर और स्थानीय लोगों से जिसका वीडियो था उससे भी बातचीत करके और उसकी समस्या जानने का प्रयास किया गया, और सभी लोगों ने उस चीज को समझा, और वहां पर पहले दिन से ही पूरी शांति कायम है। वहां पर जो पूरा समुदाय है उस क्षेत्र का, सभी लोग आपस में समन्वय है, पहले से ही शांति है, और आपसी समझदारी से उस चीज का निराकरण पहले ही दिन हो गया था। इसके बाद ये बात जरूर है कि रतलाम से नहीं परंतु इसके बाहर से कहीं कहीं बाहर के लोगों को जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो लोग इस वीडियो को दोबारा ट्वीट कर दे रहे हैं, जिससे रह रहे के वापस न्यूज में निकल के आ रहा है। तो मेरी सबसे अपील है कि कृपया ये जो स्थानीय यहाँ पे जो कोई एक्चुअल मुद्दा है नहीं, जो सभी लोग आपस में प्यार और समन्वय से रह रहे हैं, तो जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है वो इसको ट्वीट या दोबारा से फॉरवर्ड करने से बचें, जिससे कि सभी जगह कानून व्यवस्था की स्थिति और शांति की स्थिति बनाई जा सके। इस पर अब रतलाम के एसपी का बयान सामने आया है, जिसमें एसपी अभिषेक तिवारी ने लोगों से अपील की है कि वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर और फॉरवर्ड करने से परहेज करें। ये वीडियो पुराना है, वीडियो को बाहर के लोग ट्वीट कर रहे हैं, जबकि स्थानीय तौर पर इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है।
लोगों के ट्वीट करने से वीडियो बार बार सामने आ रहा है। एसपी ने अपील करते हुए कहा कि बाहरी लोग इसे ट्वीट या फॉरवर्ड करने से बचें ताकि कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हो। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। We'll be right back.